आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। मैं हूं आपके साथ रत राकेश टंडन। आज भारत का बजट आया है। कोरोना काल में जो बजट आने वाला था उस पर देश भर की निगाहें थी, ऐसे में कोरोना काल के बाद ये बजट आया भी। सरकार जहां बजट को सभी वर्गों के लिए फायदेमंद बता रही है, लेकिन आम आदमी की प्रतिक्रिया इस बार बजट को लेकर ठंडी ही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स स्लैब में कोई राहत नहीं दी है, जिससे सैलरीड क्लास की उम्मीदें पर पानी फिर गया है। यानी सैलरीड क्लास के लिए ये बजट निलबटा सन्नाटा होगा। हालांकि 75 साल से ऊपर वालों को राहत दी गई है, साथ ही साथ महिलाओं और युवाओं के लिए इस बार के बजट में ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिला, इससे उनकी उम्मीदों पर पानी फिरा है। सरकार ने बजट पर पीठ थपथपाई तो विपक्ष को यह बिल्कुल नहीं भाया। बजट पर राहुल गांधी ने कहा कि बजट में गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है, मोदी सरकार ने अपने पूंजीपति दोस्तों के हाथ में संपत्ति सौंप दी है। इतना ही नहीं, कांग्रेस के शशि थरूर ने इसे मैकेनिक का बजट बताया। हालांकि किसानों के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाने की जरूरत की बात भी कही गई, साथ ही साथ डीजल पेट्रोल में कृषि सेस लगा दिया गया है। हालांकि इसका आम लोगों पर भार नहीं पड़ेगा, ऐसा कहना है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का। तो अगले एक घंटे हम बजट पर चर्चा करेंगे, साथ ही साथ रिएक्शंस भी आपको बताएंगे बजट को लेकर आम लोग क्या सोच रहे हैं। हालांकि पीएम मोदी ने सरकार के इस बजट की तारीफ की है और कहा है कि ये आम आदमी का बजट है। और साथ ही दुनिया में एक नया आत्मविश्वास भरने वाला है। आज के बजट में आत्मनिर्भरता का विजन भी है और हर नागरिक हर वर्ग का समावेश भी है। हम इस बजट में जिन सिद्धांतों को लेकर चले हैं वो हैं ग्रोथ के लिए नए अवसरों, नई संभावनाओं का विस्तार करना, युवाओं के लिए नए अवसरों का निर्माण करना, मानव संसाधन को एक नया आयाम देना, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए नए नए क्षेत्रों को विकसित करना, आधुनिकता की तरफ आगे बढ़ना, नए सुधार लाना। साथियों, नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाकर आम लोगों के जीवन में ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने पर इस बजट में जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, साफ पीठ थपथपा रहे हैं। आज निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है। प्रधानमंत्री मोदी को लगता है कि इस काल के हिसाब से एक अच्छा बजट है। सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन निर्मला सीतारमण का ये बजट सैलरीड क्लास के लिए कैसा है एक बार सुनिए। फिर से एक महिला के पास और ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर बजट उन्हें किस तरह से लुभाया। बजट आपने देखा, यदि अट्रैक्ट करने वाली बात हो, लुभाने वाली बात हो, क्या सबसे अच्छा पसंद किया आपने इस पूरे बजट में? सर, सबसे अच्छा तो इन्होंने हेल्थ के बारे में जो बात की है वो मुझे अच्छी लगी है, और एजुकेशन के लिए इन्होंने फोकस किया, सरकारी स्कूलों को अच्छा बेहतर बनाया जा रहा है, तो वो चीज़ें मुझे अच्छी लगी हैं। और जहाँ तक बात करें महिलाओं के लिए, तो आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस। और सर, बाकी सब बुजुर्गों के लिए, जो इन्होंने 75 वर्ष से जो ऊपर के बुजुर्ग हैं उनके लिए पेंशन में इनकम टैक्स को हटा दिया है, तो वो बुजुर्गों के लिए काफ़ी खुशी की बात है। और सर, स्टील लोहे को जो सस्ता किया है वो खुशी की बात है, लेकिन महिलाओं के लिए जो मैंने एक्सपेक्ट किया था, एक्सपेक्टेशन थी मेरी, उस पर ये बजट खरा नहीं उतरा, इसलिए मैं थोड़ी इस बजट से नाखुश हूँ। महिला आबादी, या ये कहा जाए आधा आबादी, जिन पे ध्यान न देना निश्चित तौर पे सरकार के लिए एक बड़ी बात हो सकती है। ये अलग चीज है कि सरकार महिला के लिए तमाम कल्याणकारी योजनाओं के चलाने की बात करती हो, लेकिन बात बजट की चलती है तो निश्चित तौर पे इस बजट में महिलाएं अपने आप को ठगी महसूस कर रहे हैं। महिलाओं का देखें तो महिलाओं के हिसाब से, हम लोग हिसाब से इन्होंने अच्छा बजट नहीं दिया है। हेल्थ के लिए और एजुकेशन के लिए तो बजट है, सर्टिफिकेशन है, बट बाकी और महिलाओं के लिए कोई ऐसा नहीं आया जो हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि नहीं महिलाओं के लिए कुछ ऐसा आएगा, वैसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आपको बजट में अच्छा क्या लगा?
सर बजट में अच्छा ये लगा कि इन्होंने सबसे पहले हेल्थ पे फोकस किया और उसमें से इन्होंने रूरल हेल्थ पे फोकस किया है। देन सर हम इस चीज़ से नाखुश हैं सर, हम एक नर्सिंग फील्ड से हैं तो हमने सोचा था कि जो नर्स हैं, डॉक्टर्स एंड सफाई कर्मी एंड पुलिस कर्मी हैं उनको कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा क्योंकि उनका सबसे ज़्यादा कोऑपरेशन था ड्यूरिंग कोविड के टाइम में, तो सर इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा नाखुश है। मुझे सबसे खुशी इस बात की है कि कोई टैक्स बढ़ाया नहीं गया है, जितने टैक्स हम पहले देते थे हम उसी स्लैब में हैं और स्वास्थ्य को उन्होंने ध्यान दिया है, तो स्वास्थ्य अगर हम सभी स्वस्थ रहेंगे तो आगे तो हम लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। हेल्थ इज वेल्थ कहा गया है, लेकिन वेल्थ न हो तो हेल्थ भी शायद नहीं सुधरने के लिए तैयार होता है। और निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि इन महिलाओं को, कामकाजी महिलाओं में निश्चित तौर पर एक टीस है, वो टीस कुछ इस ढंग की है जो गले से निकल के मुंह तक आने में देर तो लगा रही है, लेकिन दबी हुई कोई भावना वो है जिसमें वो अपने आप को ठगा महसूस कर रही हैं, अपने आप को पिछड़ी महसूस कर रही हैं, या ये कहा जाए कि उन्हें जो चाहिए वो दिख नहीं रहा है। अभिषेक के साथ संतोष ओझा, इंडिया न्यूज वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से आप आम लोगों की राय सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि उम्मीदें तो थीं लेकिन कुल मिलाकर थोड़ी ही उम्मीदें पूरी हुई, बाकी तो धरी की धरी रह गई। आम बजट से देश के स्टूडेंट्स भी काफी उम्मीदें लगाए बैठे थे लेकिन जयपुर के युवाओं का कहना है कि जितनी उम्मीद थी उतना मिला नहीं। की ओर से आज अपना बजट पेश कर दिया गया है। हालांकि बजट को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि हर वर्ग को खुश करने का काम किया जाएगा, ऐसे में युवा वर्ग को छात्र भी आस लगाए बैठे थे कि उनको भी सौगातें मिलेगी। इस बजट को लेकर स्टूडेंट क्या सोचते हैं उनसे ही जानते हैं। क्या लगता है, क्या कुछ एजुकेशन के हिसाब से मिला, कितना संतुष्ट है? बिल्कुल, इस बजट से हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि कोरोना के बाद में पहला बजट केंद्र सरकार ने पेश किया, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा निराशा मिली। युवाओं को कुछ नहीं मिला, हमें रोजगार के हम सोचे थे कि नए अवसर मिलेंगे, सरकारी नौकरियां मिलेगी, लेकिन युवाओं को कुछ नहीं मिला। और हम राजस्थान से में है तो राजस्थान को इस बजट में कुछ नहीं मिला मतलब। और ऊपर से निजीकरण का इन्होंने एक होड़ लगा दी, रेल सेक्टर को निजीकरण में दे रहे हैं, एयरपोर्ट को निजीकरण में दे रहे हैं, सड़क को निजीकरण में दे रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि संसद को और सरकार को निजीकरण निजी हाथों में दे दो ना, ताकि वही ठेकेदारी पत्ता के रूप में आपको चलाएंगे, ये मैं कहना चाहता हूं। बिल्कुल, देखिए हालांकि सैनिक स्कूल खोलने की बात भी यहां की गई है, सैनिक स्कूल एक लद्दाख में जो है यूनिवर्सिटी खोलने की भी बात कही गई है। देखिए आज के बजट में केवल एक केंद्रीय विश्वविद्यालय सो सैनिक स्कूल के अलावा युवाओं को केवल उसको पढ़ने का मौका मिलेगा, इसके अलावा रोजगार नहीं मिलने वाला है इस बजट के बाद में। और जिस तरीके के कोविड के बाद में सिचुएशन हुई थी, हमें लग रहा था नई नौकरियां निकलेगी, नए रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे, इस तरीके के स्किल डेवलपमेंट की कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटियों खुलने की बात होगी, लेकिन केवल हमारा एक ही काम बचेगा, उस बजट को बार बार पढ़ना और कोसना अपने आप को कि क्यों हमने इस सरकार को वोट दिया था। जो 2 करोड़ नौकरियों की सरकार ने बात की थी प्रत्येक वर्ष, वो 2 करोड़ तो घटाने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो बढ़ाना तो दूर की बात है। जिस तरीके से ये बजट आया है युवाओं को बहुत ज्यादा निराशा है और सरकार को अब गवर्नमेंट को प्राइवेट सेक्टर, मोदी गवर्नमेंट प्राइवेट लिमिटेड अपना नाम कर देना चाहिए। जिस तरीके से प्राइवेट हाथों में अपने देने की कोशिश कर रहे हैं तमाम तरीके की चीजें, चाहे रेलवे की हम बात करें या एयरपोर्ट। देखिए हालांकि एजुकेशन में जितनी उम्मीद थी हालांकि उस पर पूरा असर नहीं हुआ है। क्या लगता है, सैनिक स्कूल पर ध्यान दिया गया, अनुसूचित जनजाति के जो स्टूडेंट है उनको भी जो है सौगात यहाँ दी गई स्कॉलरशिप के रूप में, उसकी भी घोषणा की गई है। लेकिन जैसे कोरोना महामारी का पहले भी था कि रोजगार देने की बात, तो रोजगार कहीं ना कहीं युवा अभी भी अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। उन्होंने काफ़ी उम्मीदें लगा रखी थी कि इस बजट के अंदर उनके लिए कोई अनुदान आएगा, कोई उनके लिए कोई फेलोशिप चालू करे, कोई स्कॉलरशिप चालू करे, कि भाई जिनकी नौकरियां नहीं है उनको कोई रजिस्टर के माध्यम से उनको कुछ ना कुछ। बिल्कुल, देखिए मिला जुला असर एजुकेशन के जो बजट आया है उसमें देखने को मिल रहा है। हालांकि कुछ हद तक छात्र कह रहे हैं बदलाव जरूरी था और बदलाव देखने को भी मिला, लेकिन कहीं रोजगार की बात की जा रही थी वो रोजगार के आयाम नहीं मिल पाए हैं, रोजगार की सौगात की उम्मीद जो है देश का बेरोजगार लगाया बैठा था, लेकिन उसमें भी जो है किसी तरह की घोषणा नहीं की गई है। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ मैं बसंत, इंडिया न्यूज जयपुर। स्टूडेंट्स का आपने रिएक्शन सुना, अब आपको बताते हैं कि व्यापारियों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरा है बजट, यह आप खुद उनकी जुबानी सुनिए।
नरेंद्र मोदी सरकार पार्ट टू का ये दूसरा बजट आ चुका है और बात करें तमाम सारे व्यापारी अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कैसे देखते हैं बजट को। व्यापारियों के संदर्भ में तो बहुत निराशाजनक और बहुत दुखदायी बजट है ये। हम लोग बहुत उम्मीद लगा के सरकार से बैठे थे, लगा कि संवेदनशील सरकार है, हो सकता है व्यापारियों के लिए कुछ सोचे, पर व्यापारियों के लिए न जीएसटी में कोई खास राहत मिली है, छोटी सी राहत मिली है, इनकम टैक्स स्लैब में कोई चेंज नहीं है। ये लगता था कोई सकारात्मक नियमों में थोड़ा ढील होगी और व्यापारियों ने जो पीड़ा उठाई है पिछले 4-6-7-8 महीनों से उसको लेकर कोई राहत पैकेज, कोई राहत चीज आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं आया। देखिए आज के बजट से देश के व्यापारियों को बड़ी उम्मीदें थी। कोविड-19 के लॉकडाउन के बाद देश का व्यापारी ये मान के चल रहा था कि आज के बजट में वित्त मंत्री जी देश के व्यापारियों के लिए विशेष राहत पैकेज की घोषणा करेंगी, व्यापारियों को आसान ऋण मिलेगा, ई कॉमर्स की जो विदेशी कंपनियां हैं अमेजोन फ्लिपकार्ट इनके चलते देश का परंपरागत व्यापारी इसका व्यापार खत्म हो रहा है। हम लोगों ने लगातार उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल ने, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने लगातार ये मांग की थी कि ई कॉमर्स की पॉलिसी देश में लागू हो ताकि ई कॉमर्स कंपनियां जो गलत तरीके से व्यापार कर रही हैं इन पर नकेल लगे, लेकिन ई कॉमर्स पॉलिसी नहीं आज लागू हुई। जीएसटी में कोई बड़े स्तर पर सुधार नहीं किया गया। जीने के लिए जो एक इंसान को चाहिए कि एक सेल्फ कॉन्फिडेंस और जो बच्चे पढ़ के आ रहे हैं वो अगर अपना बिजनेस करें तो उसके लिए क्या लोन की व्यवस्था है, वो ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं जिसमें कि 0% इंटरेस्ट पे कुछ सरकार ने ऐसा दिया हो या इनकम टैक्स में छूट दी हो, तो इस बजट से निराशा ही हुई। सर कैसे देखते हैं इस बजट को जो अभी पेश हुआ है? उम्मीदें तो बहुत ज़्यादा थी हम लोगों को, लेकिन मायूसी हाथ लगी क्योंकि ना जीएसटी में कोई रिफॉर्म की चीज़ें दिख रही हैं, ना इनकम टैक्स में रिफॉर्म की कोई चीज़ें दिख रही हैं और पेट्रोल डीजल के प्राइस हाइक होने की वजह से डेली जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जो भी सामान रिलेटेड है सारी चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। तो ये लखनऊ के वो व्यापारी थे जिनको उम्मीद थी कि शायद जो मोदी सरकार का जो दूसरा कार्यकाल चल रहा है उसका जो ये दूसरा बजट है उसमें शायद कुछ राहत भी, कोरोना काल ने पहले ही लोगों की स्थिति को खराब कर दिया तो शायद स्थितियाँ सुधर गई, लेकिन कहीं ना कहीं अगर व्यापारियों को माने तो जो बजट है वो निराशाजनक है। रवि कुमार, इंडिया न्यूज, लखनऊ। कोरोना काल में ऐसा कोई वर्ग नहीं रहा जो प्रभावित ना हो, ऐसे में आम लोग और खासतौर पर मिडिल क्लास लोग इस बजट पर उम्मीद लगाए बैठे थे। हरिद्वार के लोगों की आम बजट पर राय क्या है ये आप खुद जानिए। बजट अपने आप में एक ऐतिहासिक है और बहुत कुछ उसमें ऐसे बिंदु हैं जो कि आने वाले जनमानस को उसका फायदा मिलेगा और अपने आप में ये एक मील का पत्थर साबित होगा। नहीं, बजट तो बहुत अच्छा दिया गया है। सबसे पहले तो जो हमारी गाड़ियों के ऊपर कमर्शियल वाहनों को स्क्रैप में देने की बात करेगी उसमें थोड़ा सा इनको सुधार करना चाहिए और मेरा मानना है कि 5 साल का एक्स्ट्रा पीरियड कमर्शियल वाहनों को स्क्रैप में जाने से बचाने के लिए करना चाहिए। दूसरा, इन्होंने प्रावधान दिया है कि 75 साल के जो बुजुर्ग हैं उनको इनकम टैक्स से फ्री किया जाता है, परंतु इन्होंने उसके अंदर एक क्लोज जो छुपा के रखी है उसमें यह रखा है कि बैंक के अंदर जो पैसा बुजुर्गों का है बैंक ऑटोमेटिकली ही उसमें से इनकम टैक्स काट लेगा। ये छुपे हुए जो प्रावधान है ये गलत है। हम आपको देश के अलग अलग हिस्सों से हर वर्ग, चाहे वो महिला हो, स्टूडेंट्स हो, बिजनेसमैन हो, सबके विचार बता रहे हैं कि आखिर वो इस बजट को कैसे ले रहे हैं। वित्त मंत्री जी ने बजट से लघु उद्योग से जुड़े लोगों को उम्मीद पर कितना खरी उतरी है, भदोही के लोगों से खुश सुनिए आप। कोरोना काल के बाद मोदी सरकार का पहला बजट आ रहा है जिससे लेके भदोही की जनता काफी उत्साहित नजर है। भदोही की जो जनता है, जो करीब 1994 से भदोही बनारस से अलग होने के बाद भदोही की जनता काफी उम्मीदें थी कि भदोही की विकास होगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। लेकिन ये जो बजट आ रही है, इस बजट से लेके जो भदोही की जनता है, भदोही की जो लोग हैं, वो काफ़ी इस बजट से उत्साहित हैं कि इस बजट में साथ भदोही के विकास के लिए कुछ हम लोगों की सौगात मिले। तो हमारे साथ जो भदोही की जनता है, आम नागरिक हैं, उन लोगों से, जो व्यापारी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन लोगों से बात करते हैं कि भदोही की क्या प्रमुख मुद्दे हैं, किस मुद्दे को लेकर वो किस भदोही में ऐसे क्या विकास के मुद्दे हैं जिससे लेके वो अपनी बात रखना चाहते हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है? धर्मेंद्र कुमार द्विवेदी। धर्मेंद्र जी, भदोही की क्या मुद्दे हैं, ये बजट जो आ रहा है ये 2021 बजट, इससे क्या उम्मीद है आप लोगों को? बजट से उम्मीद यही है कि अब देखिए, अगर वास्तव में ईश्वरीय कृपा हुई और सरकार अगर चेतना में हुई तो हम समझते हैं कि रामपुर घाट पर पीपा पुल के जगह पक्का पुल बन जाएगा जिससे काफी विकास होगा, कई प्रदेशों को जोड़ देगा यह पुल। दूसरा कि हमारे यहाँ 100 सैया का बेड अभी तक वैसे पड़ा हुआ है, भगवान करे कि इस बजट में वो 100 सैया वाला अस्पताल बन के रेडी हो जाए, उस इस तरीके का बजट भी पास हो जाए। भदोही जिला बंद हो गया है लेकिन अभी तक उसका सर्वांगीण विकास नहीं हो पाया है। भदोही जिले के जो सड़कें इतनी खराब है कि उस पर से लोगों का गुजरना मुश्किल है, रोज
इंदिरा मिल के पास जो सड़क की वजह से जो है रोज गाड़ियां उसमें फंस जाती हैं, कितने लोग घायल हो जाते हैं, लेकिन आज तक जो है प्रशासन कुछ चेती नहीं है। जितने भी रोड बने हुए हैं, बाईपास जो भी रोड है, उसकी सब की दशा गंभीर है। लेकिन हम लोग पिछले साल जो कोविड 19 से हम लोग जूझ के जो निकल रहे हैं या निकल रहे हैं, उसको देखते हुए तीन चार तो आम लोगों की रिएक्शंस आपने सुने, कैसे इस बजट को वो देख रहे हैं, क्या कुछ उम्मीदें थी जो बाकी रह गई, क्या कुछ उम्मीदें थी जो पूरी हो गई। अब इंडिया न्यूज संवाददाता अलग अलग जगह से हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ इंदौर से अतियाब शेख जुड़ेंगे, मुंबई से अभिषेक शर्मा हमारे साथ होंगे, लखनऊ से खुर्रम निजामी हमारे साथ होंगे और जयपुर से ध्वज आर्या हमारे साथ होंगे। अतियाब, सबसे पहले आप ही के पास आते हुए, इस बजट पर उम्मीदें बहुत ज्यादा इसलिए भी थी क्योंकि कोरोना काल में कोई भी सेक्टर, कोई भी तबका ऐसा रहा नहीं जो कि कोरोना से प्रभावित ना हो और लोगों की जेब पर असर ना हुआ हो। ऐसे में आज जब बजट आया, लोगों का रिएक्शन क्या है, लोग कैसे देख रहे हैं बजट को? निश्चित ही कोविड काल के बाद में ये कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा दिक्कतें जो रही भारतीय अर्थव्यवस्था को रही। मैं इस वक्त इंदौर, जो कि वाणिज्य कैपिटल कही जाती है, पूरा व्यापार इंदौर मध्यप्रदेश से का यहीं से होता है और यहाँ मेरे साथ कुछ व्यापारी मौजूद है क्योंकि सबसे ज्यादा उम्मीदें व्यापारी वर्ग को ही थी। सर, बजट आपने देखा, वित्त मंत्री ने बजट पढ़ा, आपने पूरा सुना, क्या लगता है व्यापारियों के खाते में क्या आया? व्यापारियों के खाते में कुछ भी नहीं ऐसा रहा इस बजट में कि उनको कुछ फायदा पहुंचा है। ये बजट जो पेश किया गया है वित्त मंत्री जी ने, आगामी चुनावों को देखते हुए, जैसे बंगाल में चुनाव है, असम में चुनाव है, तमिलनाडु में चुनाव है, तो वहाँ की व्यवस्थाओं को देखते हुए वहाँ उन तीन राज्यों को फायदा पहुंचाने के लिए इन्होंने ये बजट पेश किया। हम जैसे छोटे व्यापारियों के लिए कुछ भी फायदे वाला। उम्मीदें क्या लगाई थी आपने, कुछ उम्मीदें लगा के बैठे थे? उम्मीदें हमने लगाई थी कि हम छोटे व्यापारियों का कोविड के बाद कुछ न कुछ सरकार हमको राहत दे, पर कोई भी राहत नहीं दी। लोग अपनी बात रख रहे हैं, व्यापारियों को उम्मीद ज्यादा थी। एक बार सीधे लखनऊ चलते हैं जहां से खुर्रम निजामी हमारे साथ हैं। खुर्रम, आप किसी शॉप के बाहर या किसी शोरूम के बाहर हैं, लखनऊ के लोगों की राय क्या है इस पूरे बजट को देखने के बाद? देखिए, बजट का इंतजार सबको था, वो इसलिए भी था क्योंकि कोरोना काल के बाद ये पहला बजट था, तो जाहिर सी बात है सरकार के सामने चुनौतियां थी और इस चुनौती से कैसे कॉम्बैट करती है सरकार, इसको देखना था। इस बार मोबाइल शॉप में खड़े हैं क्योंकि मोबाइल महंगे हो गए हैं, चार्जर महंगे हो गए, जाहिर सी बात है। नीरज जी हमारे मौजूद हैं जो कि ऑल इंडिया यूपी मोबाइल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। नीरज जी, मोबाइल तो महंगा हो गया है, कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, 2.5% एक्साइज बढ़ी है, उससे बहुत महंगाई आएगी और हम लोग पहले ही 18% जीएसटी के कारण महंगा हो चुका है मोबाइल। मैं सरकार से यही अपील करूंगा, जो मोबाइल ट्रेड ऑनलाइन की इस समय एफडीआई की गलत नीतियों का हम लोग विरोध कर रहे हैं, उस पे संशोधन की बजाय इस तरह का टैक्स लगाना उचित नहीं था। सर, जाहिर सी बात है मोबाइल को उचित नहीं माना, जैसा टैक्स लगा है 2.5%, तो लेकिन कुछ और उनसे हम बात करते हैं। सर, ये बताइए, बजट आता है तो आम जनता को बड़ी उम्मीदें रहती हैं, आपको क्या लगा बजट कैसा है आपके हिसाब से? देखिए, बजट जो आया है वो ये कि कुछ चीजें महंगी हुई हैं, कुछ चीजें सस्ती हुई हैं, उसमें तो ओवरऑल देखेंगे तो मतलब सबके अपने हिसाब से अपने पॉइंट ऑफ व्यू रहते हैं। अगर मैं मोबाइल की बात करता हूँ तो मोबाइल में अगर मेरा 15,000 का बजट है तो मैं आज भी 15,000 का ही फोन लूंगा, लेकिन नुकसान कहाँ पे होगा कि जो मुझे पहले 15,000 में फीचर्स मिलते, जो क्वालिटी कैमरे की मिलती, जो प्रोसेसर मिलता, अब वो मुझे और स्पेंड करना पड़ेगा उसके लिए, अगर मुझे मिनिमम स्पेसिफिकेशन उसके लिए चाहिए तो कहीं ना कहीं मोबाइल ट्रेड के लिए फिर अब ये दिक्कत तो है ही है, कंज्यूमर्स को और खर्च करना पड़ेगा पैसा। आईटी से फर्क नहीं पड़ा, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, कुल मिलाकर कॉम्प्रोमाइज करना होगा अपनी जेब के साथ क्योंकि मोबाइल चार्जर इलेक्ट्रॉनिक सामान सभी पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई है और ये ड्यूटी, ये जो बढ़े हुए दाम है, ये आपके और हमारी जेब से ही चुकाए जाएंगे। आप सभी रहिएगा हमारे साथ। तो ये तो रही आम लोगों की राय, आम लोगों की बात, अब नेताओं की नजरों से भी इस बजट को देखना जरूरी है। बजट कितना खरा उतरा है, सुनिए नेताओं से, विपक्ष के भी नेताओं से। मोदी सरकार का इस बजट पर रिएक्शन देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी। गडकरी जी, इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी ध्यान दिया गया है, कई जगह हाईवे बनेंगे, सड़कें बनेंगी, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि सड़कों पर ध्यान सबसे ज्यादा चुनाव वाले राज्यों में दिया गया है, तमिलनाडु, केरल, बंगाल, असम। ऐसा नहीं है, आप कोई भी स्टेट का नाम निकालो, मैं एक लिस्ट तैयार करके दूंगा आपको,
चाहे बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, सब जगह 2-2 लाख करोड़ के रोड बन रहे हैं। मैं गंगा पर 6-6 पुल बना रहा हूँ। तो अब वित्त मंत्री जी को सब राज्यों का ब्यौरा देना संभव नहीं होता, और इसलिए आने वाले समय में हम विकास के कामों में कभी भेदभाव नहीं करते। एमएसएमई मंत्री भी हैं, कितना फर्क पड़ेगा एमएसएमई सेक्टर का पर इस बजट का? और सर, विपक्षी दलों ने अभी से कहना चालू कर दिया कि बजट तो पूरी तरह से फेल हो चुका है, बजट में कोई दिशा नहीं है, रोजगार जनरेट नहीं करेगा। देखिए, हमारा 30% GDP ग्रोथ में एमएसएमई का कॉन्ट्रीब्यूशन है, और इसी मार्च में मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा 40% हो जाएगा। जो 48% एक्सपोर्ट एमएसएमई का है, इसी मार्च एंड में जब स्टैटिस्टिक आएगा तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ 60% हमारा हो जाएगा। एक हिस्टोरिकल रिवोल्यूशनरी बजट है जो देश में किसानों के लिए पहली बार 16 लाख करोड़ प्रायोरिटी सेक्टर में किसानों के लिए लेंडिंग मिलेगा, और वो मिल्क और डेयरी और फिशरी में उसके साथ साथ जुड़ा है। तो आप समझो 1 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर में बन रहा है, और 3.5 लाख करोड़ पहली बार देश के इतिहास में MSP में खरीदने के लिए भारत सरकार ने सरकार से किसानों को पैसे दिए हैं। इतना बड़ा काम इसके पहले कभी नहीं हुआ। इतने नितिन गडकरी, जिनका कहना है कि 30% GDP में योगदान एमएसएमई सेक्टर का, और इस बजट के बाद में कम से कम 40% योगदान तक जाएगा एमएसएमई सेक्टर। कैमरामैन पंकज के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। प्रिंसिपल साहब मौजूद है सर, हेल्थ केयर पे ज्यादा फोकस रखा था कि हेल्थ केयर में ज्यादा फंड किए जाए, हेल्थ केयर सिस्टम जो है देश में मजबूत किया जाए, वैक्सीन के लिए 35 करोड़। अच्छी बात है, लेकिन जो प्राइमरी जो हेल्थ केयर है उसका बजट ज्यादा बड़ा नहीं है। इतिहास में जो प्राइमरी हेल्थ केयर चाहिए, मेरे पास तो आंकड़े हैं। उस हेल्थ सेक्टर में आपका पहले था 57,000 भी हो जाती है। प्राइवेटाइजेशन प्राइमरी हेल्थ केयर पे देखिए, दो चीज़ों पे एक नई सोच के साथ आगे बढ़ी, क्योंकि ये चार पिलर की बात करते हैं हिंदुस्तान की इकोनॉमी, दो पिलर पे निर्धारित है, वो एजुकेशन का बजट बढ़ाने तो प्राइमरी हेल्थ केयर का बजट बढ़ा। ये तो एक जो वैक्सीनेशन की आप बात कर रहे हैं, जो 35,000 करोड़ की बात कर रहे हैं, ये तो एक एक्स्ट्रॉर्डनरी सिचुएशन है ना, ऐसा तो पहले कभी हुआ नहीं। उसके लिए तो डिस इन्वेस्टमेंट FDI और मोनेटाइज शब्द का उपयोग किया। तो भाई मोनेटाइजेशन तो इनकी पॉलिसी का जो नीतियों का समझ लीजिए आर्ट्स है, मोनेटाइजेशन। सर, कोल्ड बाउंड जो स्टेट्स हैं उनको बहुत कुछ दिया, तमिलनाडु मोनेटाइजेशन की आप बात करें, एयर इंडिया को बेचने के लिए कितने साल हुआ, और जो प्राइवेटाइजेशन के लिए जो बात करते थे, जो पब्लिक सेक्टर को बेचने की बात करते थे, उसमें भी जो उनको ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली। ये सब इम्प्लीमेंट कब होगा, कैसे होगा, ये तो एक समझ लीजिए 5 लाख करोड़ 5 साल में खर्च होंगे, 5 लाख से 3 लाख करोड़ 5 साल में खर्च होंगे। अरे भैया, अभी आपके पास कितना पैसा है? सर, एक छोटी बात, जो कोल्ड बाउंड स्टेट्स है, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे केरला हो, तो होना ही था वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर में खूब पैसे, वो तो होना ही था। क्योंकि जब आप बजट को राजनीति के नजरिए से देखोगे तो निश्चित रूप से ऐसा होगा। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, राकेश टंडन, इंडिया न्यूज। सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, और जबकि विपक्ष कह रहा है कि ऐसी उम्मीद ही नहीं थी कि कोरोना काल के बाद ऐसा बजट आएगा जो कि आम लोगों के लिए किसी झटके से कम नहीं होगा। मुंबई से अभिषेक शर्मा और जयपुर से ध्वज आर्य हमारे साथ बने हुए हैं। पहले मुंबई का ही रुख करेंगे, आर्थिक राजधानी मुंबई। अभिषेक, कोरोना काल में जिस तरीके से अर्थव्यवस्था इतनी बीमार हो गई कि ICU में पहुंच गई, अब बजट वैक्सीन का काम जरूर कर रहा है क्योंकि हेल्थ सेक्टर के लिए तो उम्मीद से ज्यादा बजट दे दिया गया है, 137% हाइक है हेल्थ सेक्टर को लेकर, लेकिन आम लोग, मिडिल क्लास लोग जो उम्मीद कर रहे थे, उनकी उम्मीदें फुलफिल की इस बजट ने?
बिल्कुल देखिए अच्छा देखिए बताना चाहूंगा कि एक मुंबई जो कहा जाता है मुंबई सपनों का शहर कहा जाता है। सपना इसलिए भी लोग लेकर आते हैं कि यहाँ पर एक तो एक्टर एक्ट्रेस बनते ही बनते हैं, लेकिन मुंबई में लोगों का एक घर बड़ा होता है, सपना होता है कि लोगों का घर हो। और इस जगह पर मैं मौजूद हूँ जहाँ पर भारी संख्या में लोगों के लिए घर मुहैया कराए जाते हैं, और एक संस्था है जो उन लोगों के लिए काम करती है जो कि गरीब हैं, जो मुंबई में घर नहीं ले पाते, उनके सस्ते घर कैसे मिले। उनकी कर्ता धर्ता हमारे साथ राजेंद्र मेहता जी मौजूद हैं। घरों को लेकर आखिरकार लोगों की क्या राय है, और आम इसमें आम लोग हैं, जितने भी लोग आप देख रहे हैं यहाँ पे सभी सभी गृहिणी हैं, घर पे काम करने वाली महिलाएं हैं, और इनकी क्या राय है, क्या आप राजेंद्र जी बताइए कैसे आप, क्योंकि उन लोगों के लिए दिलवाते जो एक सपना होता है घर, और वह सपना क्या लगता है इस पूरा हो पाएगा इस बजट से? ये बजट में जो मैंने देखा खास करके 1.5 लाख की उन्होंने छूट दी है वगैरह, जो ब्याज के ऊपर उन्होंने जो छूट दी है, लेकिन मेरा ये मानना था कि अगर ये जो रजिस्ट्रेशन स्टैम्प ड्यूटीज वगैरह इसके ऊपर कुछ इसके ऊपर काम किया जाता और स्टेट गवर्नमेंट्स को भी कुछ डायरेक्ट किया जाता और उनकी तरफ से कुछ जो सब्सिडी जो 2.5 लाख रुपीज़ की जो 2.67 लाख की जो सब्सिडी है उसके बारे में भी कुछ खुले तौर पर रखा जाता तो वाकई में काफ़ी अच्छा होता। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2022 तक सबको पक्के मकान, तो अब तक तो मुझे कुछ ऐसी रूपरेखा दिख नहीं रही है, खाली अनाउंस तो पहले भी पिछले 10 साल से मैं देख रहा हूँ कि अनाउंस होते आ रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि कोई पॉलिसी गलत है वगैरह, बट फिर भी मुझे कुछ ठोस नहीं दिख रहा। ये बजट को भी देख के बाद मैं इसलिए मैं मानता हूँ कि कोरोना काल आया तो कोरोना काल के कारण काफ़ी निराशा है लोगों में, सरकार के पास भी कुछ मजबूरियाँ हैं अपनी बजट को एक तरह से पूरी तरह से न खोले क्योंकि उनके काफ़ी खर्चे हुए हैं। बट फिर भी मेरी ऐसी सोच थी कि इस बजट में एक जो आज मुंबई में जो मुंबईकर जो बाहर से आता है कि अपना घर कैसे बनाए यहाँ पे और ये घर के जो दाम इतने बड़े हुए हैं इसके ऊपर कुछ बात होगी, इसके ऊपर कुछ एक योजना होगी। वो नहीं हुआ। हम आम लोग जानते क्या कहेंगे, आप लोग चूंकि आते हैं यहाँ पे कि घर एक सपना घर हो, क्या आप कहेंगे एक महिला होने के नाते क्या आपको लगता है बजट आपके मुताबिक आया है? सर वही सबसे हुआ ही नहीं कि हम लोग जितना आशा किया था कि घर के ऊपर थोड़ा ज़्यादा ही छूट मिलने वाला है, बट वही सबसे हुआ नहीं कि गरीब आम इंसान का अभी कोरोना के वजह से इनकम पूरा ये हुआ है बंद हुआ है, बट काफ़ी सारा लोगों ने जो रास्ते में रहते हैं ये अपना डेली इनकम रोज लाना रोज खाना वो हिसाब से उनको मकान तो ज़रूरी है बराबर, बट वो हिसाब से अगर बजट होता तो फिर वो हिसाब से कुछ भी नहीं हुआ। राज्यों से स्टेट से मुंबई से लखनऊ से वो यही आ रही है कि इस बजट पे थोड़ा है थोड़े की जरूरत है। एक बार जयपुर चलते हैं, ध्वज आर्या वहां से जुड़े हुए हैं। ध्वज, हेल्थ केयर में जो प्राइमरी हेल्थ केयर है उसके लिए निर्मला सीतारमण ने एक अच्छा खासा पैकेज दिया, कैसे हेल्थ पॉइंट सेटअप किए जाएंगे उसकी बात की, वैक्सीन के लिए आवंटित किया, राजस्थान में इसको कैसे देखा जा रहा है क्योंकि एक बड़ा प्रभाव कोविड का राजस्थान में भी था, हमने भीलवाड़ा मॉडल देखा जिसको अशोक गहलोत ने एक तरीके से खत्म कराया, आसपास के एरियाज में बहुत ज्यादा कोविड था, पहला केस कोविड का राजस्थान से ही आया था, तो क्या ये माना जाए कि जो हेल्थ केयर सेक्टर में और प्लस रोडवेज हाईवेज में बजट दिया गया है वो स्टेट्स के लिए एक राहत की बात है? देखिए हेल्थ केयर में जो कोरोना काल में जिस तरीके से पूरे जो प्रदेश की जो स्थिति रही है पूरे देश की स्थिति रही है उसके साथ साथ में ये आशा की जा रही थी कि हेल्थ केयर में काफी कुछ मिलने वाला है, लेकिन हम मैं राजधानी के अभी राजस्थान यूनिवर्सिटी में खड़ा हूँ जहां हम एजुकेशन पे बात करेंगे, एजुकेशन पे किस तरीके से क्या कुछ मिला है। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की घोषणा की है, क्योंकि हायर एजुकेशन और कमीशन की बात की गई है, दो चीजें मिली हैं और पूरी तरीके से जो एक खास तौर पर जो ये मायूस हो चुके हैं स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट मेरे साथ में इनसे जानते हैं क्या कुछ आशाएं थी और क्या कुछ मिला है आपको। देखिए कोरोना के बाद का यह पहला बजट था और हमें ये अपेक्षाएं थी कि इसमें नौकरियों की बात की जाएगी, अगर सरकारी नौकरी नहीं भी दे तो प्राइवेट सेक्टर में किस तरीके से हम स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटियां खोल सकते हैं या स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोल सकते हैं उन पर बात की जाएगी। लेकिन बजट को देखने के बाद हमें आघात हुआ, हम शॉक है कि इस बजट में ना नौकरियों की बात की गई है ना ही उच्च शिक्षा के क्षेत्र में किसी संबंध में बात की गई है, केवल और केवल एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोलने की इसमें बात की है, उसके अलावा बजट में शिक्षा बिल्कुल शून्य के तरह बात हो रही है, साथ ही साथ प्राइवेटाइजेशन की जिस और ये बढ़ रहे हैं हमें लगता है वो दिन दूर नहीं जब भारत सरकार प्राइवेट लिमिटेड भारत सरकार बता दिया जाएगा, क्योंकि एयरपोर्ट
प्राइवेट कर दिए गए, अब रेलवे की बात की जा रही, बस स्टैंड को प्राइवेट किया जा रहा है। अगर इस तरीके से चलता रहेगा तो नौकरियां खत्म हो जाएगी। जब सारी चीजें ही प्राइवेट सेक्टर को दे दी जाएगी तो फिर सरकार का मतलब ही क्या हुआ, बजट लाने का कोई सेंस ही नहीं निकलेगा। समझ सकते हैं जो युवा वर्ग है वो तो बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाए बैठा था इस बजट से, लेकिन उम्मीदें धराशायी हुई हैं इस बजट के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जितनी तनख्वाह है उससे ज्यादा खर्चे हैं और घर घर के यही चर्चे हैं। बजट आया जरूर लेकिन मिडिल क्लास जो उम्मीद लगाए बैठा था वो उम्मीदें धरी की धरी रह गई। हाँ, हेल्थ सेक्टर पर उम्मीद से ज्यादा सरकार खर्च करेगी।